आगे का दाना हम डॉलर के सामने होगा, तब तक हम कोर्ट को अभी कोई नहीं रुकाएंगे, क्योंकि इसमें हम बहुत पैसे वाले हैं, तलाकशुदा है, बच्चे वाले हैं, क्या करेंगे, मजबूर है हम रोड पे आने के लिए। यहाँ पर बेरोजगारी करते हैं ये लोग, रोजगार नहीं देते हैं, यूटी में बोलते हैं, यूटी में बोल रहे हैं ये लोग, हम यूटी को रोजगार देंगे, लेकिन इनने बेरोजगार ही किया। 30 साल का मुलाजिम को बेरोजगार कितना रखा है, 2500 रुपया, 2500 रुपये इन गवर्नमेंट को भी इनको ये हो गया बाहर, ये नहीं देते हैं, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आप बोलो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम, कम से कम एक औरत को 2000-2500 अपना जेब खर्चा होता है महीने का, वो 2500 कहाँ से लाएंगे, जेब खर्चा नहीं, बच्चों के पढ़ने का खर्च, क्या लाएंगे, बच्चों के पढ़ने का खर्च, इस बात से महरूम नहीं है, हमें 3 साल हो गए यहाँ पे प्रोटेस्ट करते 3 साल उन्होंने निकाला, 3 गुजार हमारा नहीं किया, अब गुजार नहीं किया, 1 हफ्ता पहले हमने कोर्ट केस किया था, उसमें इनको डायरेक्शन मिली थी इनको कंटिन्यू करो और इनकी सैलरी ड्यूज क्लियर करो, लेकिन उन्होंने किया काम ये कोर्ट ऑर्डर निकलने के बाद इन्होंने हमारा डिसएंगेज ऑर्डर निकाला और हमें निकाल दिया, 30 साल से जो लड़की इसमें काम कर रही थी उसको निकाल दिया, जिसका गुजारा इन पैसों पे होता था, बच्चे छोटे छोटे बच्चे इसमें पढ़ते थे, ये तीनों का गुजारा हो रहा था, 918 चूल्हे इन्होंने फूंक दिए, इनको क्या मिला ये करके, हम आप अपनी जान दे देंगे, हम इसी तरह हर रोज सड़क पे आएंगे, अगला धरना हमारा गवर्नर साहब के ऑफिस के सामने होगा 8 दिन के बाद इंशाल्लाह, वहाँ पे आकर यही पे फिर मिलेंगे, अगर इन्होंने हमारा मसला हल नहीं किया, हमारा डिसेंगेज ऑर्डर इन्होंने अगर 8 दिन में वापस देंगे, मैं इनको जी हम ICDS डिपार्टमेंट से हैं, हम हेड सुपरवाइजर से, मैं इनकी जनरल सेक्रेटरी हूँ, हम यहाँ पे इसलिए आए हैं, हम यहाँ से तो आपको तो पता है आपको बोलने की क्या जरूरत, हम 3 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी पे बंद, अब जब पे गुजार नहीं की तो हमें डिसएंगेज कर दिया गया, हमें जबकि हमारा केस कोर्ट में चल रहा है, अभी वैकेंसियाँ भी है, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, हम आंगनबाड़ी वर्कर की, आंगनबाड़ी हेल्पर की, हेल्पर सुपरवाइजर की है, लेकिन इन्होंने 918 लड़कियों को डिसएंगेज कर दिया, 30-30 साल से जो इसमें लड़कियां हैं, 25-25 साल से यहाँ लड़कियां हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि कोर्ट में इनका ऑर्डर चल रहा है, केस चल रहा है, जज साहब ने हमें ऑर्डर दिया है कि इनको कंटिन्यू करो, इनकी पे रिलीज करो, लेकिन इन्होंने ये नहीं माना कि रूबीना मैम ने हमारा डिसेंगेज ऑर्डर निकाली, अब इनसे ये गुजारिश है कि हमारा ये वापस ले ये जो ऑर्डर निकाला गया है, वरना हमारा अगला प्रोटेस्ट गवर्नर साहब के